वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो इस वीडियो में हम मियोसिस टू के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में मियोसिस वन को कंप्लीट किया था। मियोसिस वन और मियोसिस टू में आपको डिफरेंस भी मैंने बताया था। मियोसिस वन जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, क्योंकि जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में से जो हैं वो ब्रेक नहीं होते एनाफेज वाले स्टेज में, एनाफेज वन में, जिसे डिसजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे वो ब्रेक नहीं होते, लेकिन मियोसिस टू में वो ब्रेक होते हैं। मियोसिस वन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होने की वजह से इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि वहाँ पे मदर सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस टू की बात करें तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस से बिल्कुल मिलती जुलती प्रोसेस है ये, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइटोसिस में हम एक ही सेल को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक ही सेल को डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो है वो दो सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज टू के बारे में। प्रोफेज टू जो है इसके मेटाफेज सॉरी मियोसिस वन के जैसे जो है वो बिल्कुल भी सब स्टेजेस नहीं है। डायरेक्टली जो है यहाँ पर आपको प्रोफेज टू में जो है वो न्यूक्लियर एनवलप गायब होते हुए दिखाई देगा, मतलब डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग एंड न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। वाइल हमने देखो टीलोफेज वन या साइटोकाइनेसिस वन में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पतले हो गए थे। अब वापस से इंटरफेज ख़त्म होने के बाद में, मतलब इंटरफेज जो है वो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच की एक छोटी सी रेस्टिंग फेज है, बहुत कम टाइम के लिए, तो उस समय के लिए जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो उसका कंडेंसेशन कम हो जाता है, पतले हो जाते हैं। लेकिन वापस से जब मियोसिस टू में वो एंट्री करता है तो ये वापस से थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। एंड एज यू कैन सी कि हर एक क्रोमोसोम में आपको रिकॉम्बिनेशन वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इमीडिएटली जो है वो मियोसिस वन के बाद में मियोसिस टू होता है। तो प्रोफेज वन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि न्यूक्लियर एनवलप दिखेगा लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियोलस भी दिखेगा लेकिन इट स्टार्ट डिसअपियरिंग, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज टू। इसके बाद में मेटाफेज टू में क्या हो रहा है। मेटाफेज टू में देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए। क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो गए हैं। हर एक क्रोमोसोम को जो है वो सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ है ताकि वो सेंटर में अरेंज रहे। दोनों सेल में, ये दो सेल हैं, दोनों सेल में आपको जो है वो सेम सिचुएशन दिख रही है मेटाफेज जो है, क्योंकि अभी फाइनली जो है ये एक सेल वॉल से जो है ये बाहर नहीं निकले हैं, मतलब सेल वो ये सेपरेट नहीं हुए हैं। जब तक के मियोसिस टू की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती ये फाइनली पूरी तरह से सेपरेट नहीं होंगे। सो मेटाफेज टू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पर पोल भी फॉर्म हो गए हैं। पोल जो है वो फॉर्म होने के साथ साथ आप देख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर ने सारे क्रोमोसोम्स को जो है वो सेंटर में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफेज। इसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल बनाता है, और पोल जो है वहाँ पर एक जो है वो पुलिंग फोर्स तैयार होता है। तो यहाँ पर जो भी स्पिंडल फाइबर है ये पुलिंग फोर्स के माध्यम से क्रोमोसोम्स को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पुल कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब देखो यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर जो है वो एक ही क्रोमोसोम को पुल कर रहा है, यहाँ पे भी एक स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम को पुल कर रहा है। वही अगर आप मेटाफेज या एनाफेज वन की बात करेंगे, वहाँ पर जो है वो एक स्पिंडल फाइबर, एक इधर से क्रोमोसोम था एक इधर से, तो इधर वाला जो है वो पोल उसको इधर वाला क्रोमोसोम खींच रहा था, इधर वाला इधर खींच रहा था, जिसकी वजह से क्रोमोसोम बीच में से टूटे नहीं, क्योंकि एक स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम को पुल कर रहा था, राइट वाला राइट की तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही सिंगल स्पिंडल फाइबर एक ही सिंगल क्रोमोसोम को पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम के ऊपर पुलिंग फोर्स दोनों तरफ से है, आधा ऊपर से आधा नीचे से, जिसकी वजह से ये पुलिंग फोर्स फाइनली इस क्रोमोसोम को जो है वो सेंटर से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। हर एक क्रोमोसोम के साथ में वैसा ही हो रहा है। देन इसकी वजह से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल गो अपसाइड,
ठीक है, ऊपर के पोल की तरफ जाएंगे. हाफ ऑफ द क्रोमोसोम विल गो टूवर्ड्स द पोल विच इज़ एट द लोअर साइड, निचले हिस्से पे है. ठीक है, तो एंटेरियर पोल और पोस्टेरियर पोल में यहाँ पे ये दोनों ही जो है वो पुल हो जाएंगे. आप देख सकते हो कि ये क्रोमोसोम है, इसका रिकॉम्बिनेंट हिस्सा ऊपर जा रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हिस्सा नीचे आ रहा है. वहीं यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ऊपर जा रहा है और रिकॉम्बिनेंट नीचे आ रहा है. इस तरह से जो है वो दो पेयर ऐसे बन रहे हैं, एक रिकॉम्बिनेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट. देखो, ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है. और इसकी वजह से एनाफेज में आप देख सकते हो कि अब नाउ द क्रोमोसोम्स, जो भी क्रोमोसोम्स हैं, वो आधे आधे टूटकर, सेंट्रोमेयर से टूटकर आधा पोर्शन ऊपर जा रहा है, आधा पोर्शन नीचे आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से एनाफेज खत्म होते होते जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में से सेंट्रोमेयर से ब्रेक हो जाएंगे. हाफ ऑफ देम विल बी पुल टूवर्ड्स वन पोल एंड हाफ ऑफ देम विल बी पुल टूवर्ड्स अनादर पोल, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट अगर हम देखें तो इसके बाद में इमीडिएटली जो है वो टीलोफेज होगा. ये टीलोफेज टू को मैंने जो है वो एक्चुअली ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद का बात है, मतलब साइटोकाइनेसिस सेल वॉल फॉर्म हो गया. लेकिन अगर हम टीलोफेज को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पर जो है ये दो सेल है, ये दोनों सेल में जो है वो दो क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं. ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियोलस डेवलप हो रहा है और न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो रहा है. यहाँ पर भी न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो रहा है, न्यूक्लियोलस डेवलप हो रहा है और दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर भी जो है वो आ चुके हैं. यहाँ पर एक ब्लैक है, एक वाइट है. ठीक है, तो वाइट रिकॉम्बिनेंट वाला है, ब्लैक रिकॉम्बिनेंट वाला है, तो वाइट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है. ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि टीलोफेज में जो है यहाँ पर भी न्यूक्लियर एनवलप जो है ये न्यूक्लियोलस फॉर्म हो रहा है. अगेन दो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम्स देखने मिलेंगे और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ये जो है वो इमीडिएटली एनाफेज टू ख़त्म होगा, उसके बाद में टीलोफेज टू इस तरह से आपको देखने मिलेगा. एंड फाइनली जब इनके बीच में क्या फॉर्म हो गई है, सेल वॉल फॉर्म हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस. मतलब ये वाला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को, टीलोफेज टू को भी और साइटोकाइनेसिस टू को भी. इसमें आप देख सकते हैं कि फाइनली सबसे आखिर में फाइनली आपको क्या दिख रहा है, 1, 2, 3 and 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं. न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्मिंग पूरी तरह से जो है वो बनना शुरू हो गई है, पूरी तरह से फॉर्म हो रही है. न्यूक्लियोलस भी पूरी तरह से फॉर्म हो रहा है और क्रोमोसोम्स जो है वो रीअरेंज हो रहे हैं इनटू क्रोमैटिन. रीअरेंज हो रहे हैं इनटू क्रोमैटिन मतलब वो जो मोटे हो गए थे उनका कंडेंसेशन जो ज़्यादा हो गया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब वो पतले हो रहे हैं. अब देखो आप यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हर एक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 2. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी प्रोफेज 2 जो है उसे हम मदर सेल कहेंगे, ये मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको हर एक डॉटर न्यूक्लियस में दिख रहे हैं. इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कि मेयोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने मदर सेल के पास में थे डॉटर सेल के पास में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे. ये मेयोसिस 2 की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो इस तरह से मेयोसिस 2 में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं होंगे, इसीलिए उसे रिडक्शन डिवीजन नहीं कहा जाएगा. इट इज़ बिल्कुल सेम, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस. बिल्कुल माइटोसिस की तरह जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है, आधा बीच में से ब्रेक होके आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे आ रहा है. तो इस तरह से जो है वो मेयोसिस 2 जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन एज इट इज़. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे होमोटिपिक भी कहा गया है, इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया था मेयोसिस
के बारे में तो हमने देखा था, मेयोसिस वन इज कॉल्ड एज हेट्रोटिपिक डिवीजन, क्योंकि उसमें मदर सेल और डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल भी सेम नहीं होते, आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हेट्रोटिपिक। और मेयोसिस टू इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोटिपिक, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको डॉटर सेल के पास में देखने मिलेंगे, दैट इज वाई होमो, होमो मतलब होता है सेम, सो होमोटिपिक मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में देखने मिलेंगे, ठीक है, या मदर न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में। एज अ रिजल्ट ऑफ होल मेयोसिस का पूरा रिजल्ट अगर हम कैलकुलेट करें, पूरा रिजल्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पर मेयोसिस जो है ये प्रोसेस खत्म होते होते वन मदर सेल इज फाइनली नाउ डिवाइडेड इंटू फोर डॉटर सेल, चार डॉटर सेल, और जो मदर सेल थे उसके पास में, जिस जब मेयोसिस शुरू होता है उस मदर सेल की बात कर रहे हैं हम, इसकी नहीं, मदर सेल के पास में चार नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन जब वो डॉटर सेल फॉर्म किए तो वो सिर्फ दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए। इस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मदर सेल के पास में टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहते हैं, और मेयोसिस खत्म होते होते इट बिकम्स वन, ठीक है, सिंगल नंबर। इसी वजह से कहा जाता है कि जब जो भी गमेट्स होते हैं, गमेट्स जो हैं ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब गमेट फॉर्म करते हैं तो ये 2n बिकम्स nn, मतलब एक मदर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही है और हर एक डॉटर सेल के पास में सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि गमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है। सो इस तरह से जो है वो हमने मियोसिस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपके लिए एक काम है कि आपने मियोसिस पढ़ लिया, मियोसिस देख लिया, इन वीडियोस को बार बार देखो, और मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप निकालने की कोशिश करो इन पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस के सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।